नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नो कैड सीआई में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है बच्चों के लिए फ्री रिसोर्स उपलब्ध कराना। जो बच्चे ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया और एनसिस सीखना चाहते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से उनके लिए एक रिलायबल और एक बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लर्निंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरे चैनल पे बनाए गए वीडियोज पसंद आएंगे और आप सभी लोग मेहनत करके सीखेंगे। और अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मैसेज करके नीचे आप कमेंट्स में डाल के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन होके या किसी भी मीडियम से आपको कॉन्टेक्ट करके उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल में बेसिकली मैं सबसे पहले ऑटो कैड इंट्रोड्यूस करूंगा और उसको कुछ अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा। उसके बाद फिर सॉलिड वर्क्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसको अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। उसके बाद कैटिया, और फिर इसी क्रम में अगर जो है आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो एनसिस तक लेके जाऊंगा। उम्मीद है ये रिसोर्सेज मेरे स्टूडेंट्स के लिए और सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हमने अपने कंप्यूटर में ऑटो कैड इंस्टॉल कर लिया है, उसको एक्टिवेट कर लिया है। अब आपके डेस्कटॉप के ऊपर ऑटो कैड नेम से आइकन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसको स्टार्ट कर लिया है तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। तो ऑटो कैड स्टार्ट करने से पहले, अगर कभी भी जैसे हम ऑटो कैड ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सभी को अगर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो एक सेम इंटरफेस पे पहुंचना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमने किसी कंप्यूटर पे कोई पहले से काम कर रहा तो इसका सारा सेटअप जो है ख़राब हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंटरफेस के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग दो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। आप देख रहे हो आपके सामने ये ऑटो कैड की स्क्रीन है। कुछ कॉन्सेप्ट की चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ऑटो कैड के पीछे कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, क्योंकि केवल ऑटो कैड चला लेने से हमारा काम नहीं चलता है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो अगर पता रहता है तो हमारे लिए और अच्छा रहता है। तो अगर कुछ कॉन्सेप्ट मुझे बताना होगा या कुछ नोट्स हमें बनाने होंगे तो मैं इस वन नोट सॉफ्टवेयर में बनाऊँगा। अगर मुझे ऑटो कैड सिखाना होगा तो साथ के साथ ये स्क्रीन पे आपका ऑटो कैड चलता रहेगा। तो सभी लोग क्या करें, ऑटो कैड को ऑन कर लें और यहाँ के ऊपर एक स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन आता है, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप स्टार्ट ड्राइंग क्लिक करते हो आपके सामने ऑटो कैड की स्क्रीन आ जाती है। अगर आपका डिफॉल्ट सेट नहीं है तो ये इंटरफेसेस आपको अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग दिख सकते हैं। अगर इन सभी का इंटरफेस आपको सेम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस को रीसेट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाएं। और मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको साथ के साथ क्लियर होती रहें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा, हम लोग जो है अभी जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा रीसेटिंग ऑटो कैड। और ये रीसेट हम क्यों करते हैं, जिससे क्या होंगे, ऑल ऑफ यू गेट सेम इंटरफेस। अगर सेम ही इंटरफेस पे रहते हैं तो मेरे लिए जो है क्या होता है, ट्रेनिंग आसान होती है। सभी को सेम इंटरफेस के लिए पे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो कैड को रीसेट करते हैं। अब देखिए ऑटो कैड पे आके देखते हैं कि इसको हम रीसेट कैसे करते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन है, मैं कर्सर इधर ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ बड़ा सा ए बना रहता है, ये जो ए बना रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैड मेनू।
अलग अलग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस मेनू होता है, ऑटो कैड में अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये वाला जो इंटरफेस हमारा होगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैड मेनू। आप जब इस ऑटो कैड मेनू को क्लिक करेंगे तो स्टेप आप ध्यान रखिए, ऑटो कैड मेनू पे हमने क्लिक किया, ऑटो कैड मेनू में जो है सबसे नीचे आप यहाँ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक होते ही एक बड़ी सी विंडो हमारे सामने निकल के आएगी, इसमें देखेंगे फाइल्स है, यहाँ पे डिस्प्ले है, इसमें लास्ट में जाके आपको मिलेगा प्रोफाइल्स, आप प्रोफाइल्स पे क्लिक करोगे और इसमें सबसे नीचे आपके पास आएगा रीसेट, आप इसको रीसेट करेंगे, आपके पास आएगा यस या नो करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से अगर आप यस कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा इंटरफेस रीसेट हो जाएगा और यहाँ से आपको ओके कर देना है। जब आप यहाँ से ओके कर देंगे तो क्या होगा, आपका सारा का सारा इंटरफेस जैसे मेरे स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है आपके भी स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अब इस स्क्रीन पे आ गए, बेसिकली ये क्या है, हमारा इनिशियल 2D इंटरफेस है। अगर ये इनिशियल 2D इंटरफेस है तब हम लोग लर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ऑटो कैड में जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं 2D में ही स्टार्ट करते हैं। तो फॉर द स्टार्टिंग ये मेनू रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस मेनू पे आप आ गए हैं, अगर कोई ऑटो कैड जैसे किसी जो है कंप्यूटर पे कोई दूसरा पर्सन बैठ के पहले से ही काम कर रहा है, अगर पहले से ही कोई काम कर रहा है तो वो हो सकता है उसने सेटिंग चेंज कर दी हो। जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, 3D बेसिक्स यहाँ से स्विच करने का ऑप्शन होता है, अगर हमने 3D बेसिक्स कर दिया तो ये अगर इस टाइम पे मैं क्लोज कर दूंगा तो आप जब अगली बार आओगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से अगर मैंने 3D मॉडलिंग कर दी है तो क्या होगा, ये अलग से इंटरफेस दिखेगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरफेस दिखता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको रीसेट करके चलते हैं। रीसेट करने का एक बार प्रोसीजर दोबारा देखते हैं, ऑटो कैड मेनू में जाएंगे, वहाँ से ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद आपका टैब ओपन होगा, लास्ट में प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल से यहाँ से रीसेट करेंगे और यस करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो इनिशियल इंटरफेस होता है हम उस पर आ जाएंगे, वो हमारा 2D बेसिक होता है जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन बोलते हैं। अगर आपको ऑटो कैड स्टार्ट करनी है तो ये इंटरफेस आपके लिए सबसे बेस्ट होता है स्टार्ट करने।